कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमपी बोर्ड त्रैमासिक रसायन विज्ञान कक्षा 12 के मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो 2021 में लगभग पूछे गए थे। अब यहां पर आप देखिए, जो बहुकल्पी के प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का तत्व सही क्रम है। तो मित्रों, अगर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का जो तत्व का सही क्रम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। पहले पे फ्लोरीन है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये भी आप कह सकते हो। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो फार्मूला हमने आपको बताया, आप इस वे में याद कर सकते हैं। एल्कोहाली के ओएच की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है? तो मित्रों, यहाँ पे आप देखिए, एल्कोहाली के ओएच की उपस्थिति में, एल्कोहाल के ओएच की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन का परीक्षण किया जाता है? तो आप देख पा रहे हैं कई ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे देखिए, त्री हाइलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन की उपस्थिति में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिश्रण की उपस्थिति में कार्बिल एमीन का परीक्षण किया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग मित्रों मुंह करें तो देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम त्रैमासिक के हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लोरोपिक्रीन है, तो मित्रों क्लोरोपिक्रीन है CCl3.NO2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों में आसानी से अभिक्रिया कराते हैं, वह क्या कहलाती है? इसमें से मित्रों जो ऑप्शन सही है वह है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो अति लघु उत्तरी के प्रश्न है मित्रों, और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी दीजिए। तो मित्रों अगर बात करें जो यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी देना है, तो यहाँ पर देखिए आप, फार्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती हैं, जिसे बेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं, राइट। तो आप देख पा रहे हैं फार्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके मित्रों क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन बनाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यफ केंद्रक क्या होता है? तो मित्रों जो यफ केंद्रक होता है वह स्थान जहां ऋणात्मक रिक्तकों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होता है, वह यफ सेंटर या यफ केंद्रक कहलाता है। मित्रों जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, जहां पर ऋणायन की रिक्तिका होती है, यहां देखिए वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वह यफ सेंटर, वह यफ केंद्र कहलाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा मित्रों। है ये हमने आपको बताया है रिक्तिका दोष में आप पाएंगे कक्षा 12 का जो पहला अध्याय है सॉलिड स्टेट में मिलेगा। रिक्तिका की परिभाषित दीजिए, रिक्तिका की परिभाषा क्या है? तो मित्रों हमने आपको बताया था, जब किसी ठोस क्रिस्टल जालक से अवयवी कण निकल के क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं तो वहां पर रिक्तिका हो जाती है, इसी को हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। धातु परमाणु अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब इनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाती है, जब आप व्यवस्थित करेंगे कुछ स्थान रिक्त रह जाता है तो इन्हें रिक्तिका कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है, साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण होता है, ये स्थल यफ सेंटर की तरह कार्य करते हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।